अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रूटी सैलेड इन वन मिनट की रेसिपी। अब आप लोग सोचेंगे कि ये एक मिनट में कैसे बन जाएगा, तो वो इस तरह कि दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने कस्टर्ड तैयार करके रख लेना है, फ्रूट्स काट लें, तो बस जब ये दोनों चीज़ें रेडी होंगी तो बाकी सब तो एक मिनट में ही हो जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने सोचा कि कस्टर्ड की रेसिपी मैं इंक्लूड नहीं करती, बट मैंने कहा चलो फिर भी मैं दिखा देती हूँ। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। जो बॉक्स होता है उसके ऊपर भी लिखी हुई होती है रेसिपी। तो एक लीटर दूध जो है वो सबसे पहले आपने बॉयल कर लेना है। मीनवाइल एक चौथाई कप दूध लें और उसमें 5 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के ऐड करें पाउडर के, एंड जस्ट मिक्स इट वेल और इसको एक साइड पे रेडी रखें। यहाँ पे दूध में एक बॉयल आ चुका है। और ये रेसिपी के लिए ना आप जो पॉट यूज़ करें यानी कस्टर्ड बनाने के लिए वो हैवी यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 3/4 कप की जितनी चीनी, और थोड़ी ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि आगे मैं इसमें थोड़ी क्रीम भी ऐड करूँगी, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और थोड़ी सी डाल दें इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है। चीनी डाल के आपने कस्टर्ड को 10 मिनट पकाना है ताकि चीनी अच्छी तरह पक जाए, और उसके बाद ये जो कस्टर्ड का मिक्सचर हमने तैयार किया था ये ग्रेजुअली मिलाते जाना है और चम्मच चलाते रहना है। और ये ऐड करके इसके बाद आप इसको मीडियम हीट पे 10 से 15 मिनट पका लें, यहाँ तक कि कस्टर्ड थोड़ा थिक हो जाए। कस्टर्ड यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको हीट से रिमूव करके थोड़ा ठंडा कर लूँगी। कस्टर्ड यहाँ पे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, और थोड़ा सा मैंने इसको पहले भी बीट किया था। और यहाँ पे मैंने ऐड की है 1/2 कप की जितनी रेगुलर क्रीम। मैंने यहाँ पे शामिल की है बिल्कुल रेगुलर क्रीम, दिस इज़ नॉट व्हिपिंग क्रीम। और अगर आप मुझे इंडिया से वॉच कर रहे हैं तो वहाँ पर सिंपल अमूल क्रीम मिलती है, बस वही ऐड कर लें। और यहाँ पर अब साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ फ्रूट्स, ये हमारे फेवरेट फ्रूट्स हैं, आपको जो पसंद है आप वो ऐड कीजिए। मैंने ऐड किया है अंगूर, सेब, केला। इसके अलावा मैंने ऐड किया है अनार, बादाम, पिस्ता और किशमिश। जैसा कि ये फ्रूट सैलड है तो फिर फ्रूट्स तो इसमें जाएंगे। और अगेन कोई फ्रूट आपको इसमें नहीं पसंद आप ना डालें, जो आपको पसंद है वो ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो पास ही खड़े हैं एज यूजुअल, और उनसे वेट नहीं हो रहा था जो पूरा एक प्रॉपर मैं डिश आउट करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक छोटा सा पोर्शन बना के दे दो, मुझे ट्राई करना है। मैंने इसको कवर करके अच्छा 2-3 आवर्स ठंडा किया, और अब यहाँ पे सर्व किया है बोल्स में। और सर्व करते वक्त आप इसको गार्निश कर लीजिए कोई भी फ्रूट से, बादाम पिस्ते से, और इन्जॉय कीजिए। तो ये थी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।